साहब सभी जानते हैं, एक छोटी सी बच्ची थी जो कि दरगाह परिसर से एक व्यक्ति के द्वारा ले जाई गई थी, जिस पर हमने तुरंत ही किडनैप का मुकदमा दर्ज किया था। और रात में ही, उसी रात को हमारी लगभग बहुत बड़ी टीम लगा करके तलाश का काम शुरू किया गया था। कैमरे जो भी हैं हमारे शहर में, सीसीटीवी फुटेज जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है, उनको देख करके रात में ही हम लोग ये ट्रैक करने में सक्षम हो गए थे कि ये बच्ची को लेकर के किस डायरेक्शन में गया है। इसमें रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरों ने भी हमारी बहुत मदद की, और उन कैमरों के मार्फत जो हमारी टीम थी वो ट्रैक कर पाई कि ये व्यक्ति जो है गुजरात की तरफ बच्ची को लेकर के गया। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेवलप हुई उसके बेसिस पर हमने अलग अलग जगहों पर टीमें रवाना की, यहाँ तक कि बच्ची के पेरेंट्स के पास भी टीम रवाना की। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बच्ची की माँ यहाँ पर बच्चे के साथ थी, पर उसका पिता यहाँ नहीं था, तो उसके पास भी टीम रवाना की गई क्योंकि माँ ने शक व्यक्त किया था कि वो भी इसमें शामिल हो सकता है। हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में जब हमें पता चला कि गुजरात में एक जगह पर बच्ची को ले जाया गया, तो हमारी टीमें उस तरफ रवाना हुई। पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी टीम ने लगातार की वो ये है कि जहाँ जहाँ पर हमारी संभावनाएँ थी, गुजरात के हर उस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के जो भी अधिकारी थे उनके पास में बच्ची के फ़ोटो शेयर किए गए, उस मुलजिम के फ़ोटो शेयर किए गए जो बच्ची को उठा करके लेके गया था, और हमारे पास में उस पर इनपुट आना शुरू हो गए। एक दो इनपुट ऐसे भी आए जिसमें कि हमें जानकारी मिली और हमने बच्ची चेक की तो बच्ची वो नहीं थी। हमारे लगातार एफर्ट्स के बाद हमारी टीम जो भुज की ओर गई थी, वहाँ पर जा करके हमें वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से इस मुलजिम का पता चला और हमने बच्ची को रिकवर किया। वहाँ पर प्रोसेस पूरी करने के बाद में आज हम बच्ची को लेकर के वापस आए हैं। बच्ची हमारे पास है, सुरक्षित है बच्ची। बच्ची को उसकी माँ के पास में, माँ को दे दिया गया है। प्रोसेस जो भी है उसमें विधिक प्रक्रिया पूरी करके, और अब हम जो मुलजिम को लेकर के आए हैं उससे इंटरोगेशन कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या मकसद था वो बच्ची को किडनैप करके क्यों ले गए। देखिए, प्रथम दृष्टया जो अभी तक समझ में आता है, बच्ची को उठा करके वो ले गया था, कहीं ना कहीं भीख मंगवाने की उसकी मंशा थी, कि भीख मंगवा कर पकड़ के एक आय का साधन बनाने की उसकी मंशा थी।